हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। एडिशनल पेंशन पर बड़ी अपडेट है, साथ ही साथ मार्च की पेंशन पर भी बड़ी अपडेट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्च की पेंशन अभी तक बहुत सारे पेंशनर्स के खातों में नहीं आई है और वो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप सबसे पहले अपने खाते का स्टेटमेंट जाकर देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंक का मैसेज आपके पास नहीं आता है और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले वो चेक करिए, देन अब जो है आप अपने, और उसके बाद भी अगर स्टेटमेंट में सैलरी नहीं आती, पेंशन नहीं आती है, तो आप सबसे बड़ी बात पेंशन के लिए कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जाकर चेक करिए क्या वो अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि नवंबर मंथ के बाद अब बहुत सारे पेंशनर्स की लिस्ट आनी शुरू हो गई है जिन्होंने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही से अपडेट नहीं कराया है, तो वो जाकर देखिए। बात कर लेते हैं अब दूसरी जो बड़ी अपडेट की न्यूज़ निकल कर आ रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं 3 से 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूं, जिनमें सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। जिनमें मैं पहली बड़ी अपडेट्स ORP 3 के टेबल पर देने वाला हूं। आप सामने देख पा रहे हैं ORP 3 की एक टेबल लेकर आया हूं। एक्सपेक्टेड मैं बताने वाला हूं कितना पैसा आपको मिलने वाला है और ORP 3 कब से आएगा, ये भी सारी चीज़ें। हर रैंक वाइज आएगा, रैंक वाइज में सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कितनी इसमें अपडेट्स होंगी, क्या होंगी, सारी चीज़ें इसमें मैं डिटेल में बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ दूसरी बड़ी अपडेट है कि 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, एक पॉजिटिव साइड निकल कर आ रहा है। क्या 8वें वेतन आयोग में एक्वाइड फॉर्मूला जो है उसमें पुटअप होगा, कब कमीशन होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। साथ ही साथ तीसरा बड़ा अपडेट मैं आप सभी को दूंगा कि आपके लिए ORP 3 या न्यू पे कमीशन आएगा, यानी कि 8वें वेतन आयोग आएगा, उसमें दोनों में से किसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ ORP पे और भी चर्चा होगी। इसके अलावा और भी कई दिन भर के बड़े अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल का पहला वीडियो देख रहे हैं या आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, यानी कि सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको घंटे के निशान को प्रेस कर देना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी देख पाएंगे, आगे भी अपडेट्स ले पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स देखते हैं, आपको समझाए जाते हैं, आपको साथ ही साथ कार्रवाई बताई जाती है अगर आपके पेंशन में कोई एनोमलीज है या आपके बेनिफिट्स से रिलेटेड कोई एनोमलीज आ रही है, वो भी हम बताएंगे इसमें, वो भी हम समझाए जाते हैं। और आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चलिए आपको पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है ORP 3 के रिवीजन को लेकर के, इसमें सारे रैंक वाइज हम दिखाएंगे, साथ ही साथ और भी कई बड़े अपडेट हैं। बेसिकली जो टेबल है, ये टेबल मैंने ESM इन्फो क्लब से ली है, बहुत अच्छी टेबल बनाई गई है और भी कई सारे पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड वो काम करते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। ORP 3 1 जुलाई 2024 से होने वाला है और पेंशन रिविजन टेबल है, सभी रैंक का इसमें टेबल है, आप देख सकते हैं कि कितना होने वाला है ORP 3। हम बेसिकली इस वाले ब्लैंक की बात कर रहे हैं, कितना एवरेज आपको मिलने वाला है। बेसिकली ORP 3 क्या होता है बता देता हूँ, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालने के बाद उसी के हिसाब से आपको ORP में इंक्रीमेंट मिलता है, ORP का एरियर्स उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिपाही का, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स की है, उनको ORP 3 20,450 मिलेगा। साथ ही साथ अगर टोटल डिफरेंस की बात करें तो 1683 रुपये टोटल बेसिक में टोटल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट रैंक की, सिपाही की बात करें जिसमें क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स की है, तो ORP 3 जो है 21,075 रुपये मिलेगा और साथ ही साथ आपको डिफरेंस जो है वो 2268 देखने पर मिलेगा। यहाँ पर नाइक की बात करें जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल की है, तो आपको ORP 3 22,175 रुपये मिलेगा और साथ ही साथ 2068 रुपये का आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्लैंक की, तो जिसमें नाइक के बाद में
जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल की है, ओआरओपी 3 आप देख सकते हैं 23,925 रुपये है, और साथ ही साथ आपको डिफरेंस जो है 2,681 रुपये देखने को मिल सकती है। ये एक्चुअली एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि यही मिलेगी, मोस्ट प्रोबली चांसेस है कि इसी के आसपास आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छी टेबल काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपकी रैंक अगर हवलदार है तो आपको 19 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है तो आपको ओआरओपी 3 23,475 रुपये मिलेगा, और इसके बाद में आपकी जो डिफरेंस होगा पर मंथ इंक्रीज होगा वो 1,693 रुपये होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करें हवलदार की, हवलदार की बात करते हैं तो 24 साल अगर आपकी टोटल आपकी यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइंग सर्विस है तो आपको ओआरओपी 3 आप देख सकते हैं 24,900 रुपये होने वाला है, और 2,643 रुपये आपके यहाँ पर डिफरेंस के रूप में बन सकते हैं। आप नेक्स्ट देख सकते हैं ऑलरेडी नायब सुविधा हैं आप, और अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल है तो आपको ओआरओपी 3 आप देख सकते हैं 25,300 रुपये मिलेंगे, साथ ही साथ आपको डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो 1,550 रुपये होने वाला है। नेक्स्ट देख सकते हैं ऑनरेरी नायब सुविधा 26 साल की अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्वालिफाइंग सर्विस भी है, उसी के हिसाब से आपकी ओआरओपी 3 का रिवीजन पीरियड्स मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 26,050 रुपये है, 2,300 रुपये टोटल डिफरेंस आपको यहाँ पर होने वाले हैं। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं आप नायब सुविधा है, 26 साल की आपकी सर्विस है यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस, और ओआरओपी 3 में आपको रिवीजन 27,625 रुपये होगा, और डिफरेंस की बात करें तो 2,800 रुपये का अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट नायब सूबेदार है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स की है, और ओआरओपी 3 की बात करें तो यहाँ पर 28,450 रुपये आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें डिफरेंस की तो 2,375 रुपये यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें सूबेदार की जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स की है, और ओआरओपी 3 का रिवीजन उनको 32,050 रुपये मिल सकता है, और डिफरेंस की बात करें तो 2,150 रुपये टोटल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करें नेक्स्ट सूबेदार की जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल की है, और आपको डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पेंशन में जो ओआरओपी 3 है वो एवरेज निकल कर आ रहा है 33,025 रुपये, और 2,025 रुपये टोटल यहाँ पर आपको डिफरेंस हर मंथ का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सूबेदार मेजर की, 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है, साथ ही साथ 34,125 रुपये आपकी टोटल जो है ओआरओपी 3 का रिवीजन मिल सकता है आपको, और 25 रुपये आपको टोटल यहाँ पर टोटल 2,500 रुपये आपको हर मंथ का अच्छा खासा जो है इन देखने को मिलेगा डिफरेंस। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की बात करें तो 32 साल की अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे 43,725 रुपये आपको मिलेगा आपको एरियर, साथ ही साथ 2,525 रुपये आपकी टोटल हो सकती है। नेक्स्ट देख सकते हैं ऑनरेरी सीएपीटी देख सकते हैं आप, 32 साल की है अगर आपकी तो क्वालिफाइंग सर्विस तो आप 46,375 रुपये, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ 2,600 के आसपास आप समझिए 2,600-2,650 के आसपास 2,700 के आसपास आपकी टोटल जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और भी कई चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, ओआरओपी 1 का रिवीजन है, ओआरओपी 2 का है जिसके आपसे ओआरओपी 1 जो 7 CPC में 2.57 लिया गया था, ओआरओपी 2 है, बेस ईयर कौन सा लिया गया है 2023 को माना गया है, मैक्सिमम पेंशनर्स बेस ईयर आप देख सकते हैं पेंशन की 2023 को माना गया, तो डेट काफ़ी अच्छी है। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप वहां से सीधा इसको डाउनलोड कर पाएंगे, या आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको सारी इन्फॉर्मेशन आप यहां पे देख पाएंगे। चलिए दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं कि एक्रोइड फॉर्मूला या 8वें वेतन आयोग पर क्या बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट के पास लेटर गया था, यूनियंस ने गवर्नमेंट को लेटर लिखे थे, साथ ही साथ ये बोला था कि गवर्नमेंट 8वें वेतन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द करें। तो गवर्नमेंट ने रिटर्न रिप्लाई में ये बोला था कि गवर्नमेंट जो है अभी फिलहाल की स्थिति में 8वें वेतन आयोग का गठन करने की सिचुएशन में नहीं है, ना ही कोई मिनिस्ट्रियल और ना ही कोई इंटर मिनिस्ट्रियल इस टाइप से कोई अभी प्रपोजल चल रहा है। तो बहुत सारे पेंशनर्स मेरे से भी पूछे थे कि क्या 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा या और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि 8वां वेतन आयोग या आपका पेंशन रिविजन आएगा ही नहीं 10 साल में। उन्होंने अभी हाल में ये बोला है कि हाल ही में जो जब क्वेश्चन पूछा गया था या जब क्वेश्चन रेज किया गया था उन्होंने तब आंसर दिया था कि अभी फिलहाल कोई भी इस टाइप से प्रपोजल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे कोई भी पेंशन में या सैलरी में रिवीजन नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है 8वां वेतन आयोग ना भी आए लेकिन आपको पेंशन में रिवीजन देखने को मिलेगा, कि पेंशन में रिवीजन हर 10 साल में होता रहा है, और मोस्ट प्रोबली चांसेस हैं कि इस साल भी 26 में आपको पेंशन में रिवीजन देखने को मिल सकता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं कि अगर पेंशन में रिवीजन होता है तो क्या बेस होगा,
क्या फिटमैन फैक्टर होगा, क्या एक्रोइड फॉर्मूला भी चर्चा में है, काफ़ी डिस्कशन हुआ है इस पर भी कि एक्रोइड फॉर्मूला भी लाया जा सकता है। हालांकि सेवन सीपीसी में भी एक्रोइड फॉर्मूला की चर्चा की गई थी, जिसमें एक्रोइड फॉर्मूला से रिलेटेड कई सारी चीज़ें और कई सारे अपडेट्स निकल कर आए थे। और फिटमैन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कई बार बता चुका हूँ कि आपका फिटमैन फैक्टर ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। इसमें फिटमैन फैक्टर आपको पता है कि सेवन सीपीसी में या सातवें वेतन आयोग में आपका जो फिटमैन फैक्टर था वो आप ये समझ लीजिए कि 2.57 था, लेकिन उसमें अब आठवें वेतन आयोग में कहा यह जा रहा था कि 3.68 जो फिटमैन फैक्टर रह सकता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, 10 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में मुझे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है। कोई और तरीका भी हो सकता है, या फिटमेंट फैक्टर 3 या 3.5 या 3 के आसपास रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि 3.68 होने पर पेंशन में काफ़ी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा और वो अभी इस टाइम पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है जहाँ तक। तो 3 एक अच्छा जो है फिटमेंट फैक्टर है, जिसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी आपकी 21,000 से 22,000 रुपये पहुँचेगी, साथ ही साथ पेंशन जो रिवीजन है यानी पेंशनर्स की बेसिक जो 9,000 रुपये है उसमें 12,000 रुपये तक बेसिक पेंशन में रिवीजन होने के चांसेस हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए और क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर आठवें वेतन आयोग में कितनी पेंशन हो सकती है, एक एक्सपेक्टेड बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, हम आपको वो भी एक टेबल ला कर दे देंगे। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ORP 3 या न्यू पे कमीशन में से आपको किसको फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही बिगनिंग में ही बताया था कि ORP जो है आपके मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज लेकर आपको ORP का एरियस दिया जाता है। लेकिन न्यू पे कमीशन में क्या होगा कि न्यू पे कमीशन सबके लिए आएगा और बेसिकली जिनका एवरेज ज़्यादा हो जाएगा वो पे कमीशन का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर पे क्योंकि ORP 3 में ही इतना एवरेज बन गया उनका कि पे कमीशन के क्रॉस कर जाएंगे तो पे कमीशन से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि लेकिन पे कमीशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो, तो मुझे लगता है कि पे कमीशन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें और रिविज़न होगा। ORP का आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो तो मिल ही रही है, लेकिन पे कमीशन आने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पे कमीशन के आने से मिलेगा, क्योंकि जिनको ORP 3 नहीं मिल रहा है, ORP नहीं मिल रहा है, और बाकी जो सिविल पेंशनर्स हैं उनको भी पे कमीशन का सीधा सीधा डायरेक्टली असर इसमें दिखाई दे सकता है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करेगा। आपको ये आपको जो टेबल सामने दिखाई दे रही है इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो